देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपना दल और बीजेपी साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे सुशील मोदी, नित्यानंद और भूपेंद्र यादव। मानहानि केस में 30 अप्रैल को सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। शिवपाल यादव बोले, एक महीने से कांग्रेस आश्वासन देती रही, फिर अपनी लिस्ट जारी कर दी। राजीव बब्बर मानहानि केस में अदालत ने सीएम केजरीवाल और 3 अन्य को भेजा समन, 30 को होंगे पेश। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण बोले, हम चाहते हैं मायावती देश की पीएम बने। दिल्ली में अमित शाह से मिलने बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंची अनुप्रिया पटेल। लोकसभा चुनाव में सपा ने 4 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। टॉम वडक्कन के बीजेपी में शामिल होने पर बोले राहुल, वडक्कन बड़े नेता नहीं। कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल। दीव छात्रा छेड़छाड़ मामले में बदमाशों ने 32 मिनट फिर 3 घंटे पुलिस ने घुमाया, नहीं पहुंचाया अस्पताल। भीमा आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर बोले, सरकार बदले न बदले क्रांति होती रहनी चाहिए, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। दिल्ली में चोरी करने पर आरोपी महिला को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मसूद अजहर ने 25 साल पहले दिल्ली में बिताई थी रातें, खुद बताई थी भारत यात्रा की पूरी बातें। जेएनयू में दाखिले के लिए आज से करें ऑनलाइन आवेदन, 27 से 30 मई तक होगी परीक्षा। एक दिल्ली पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 332 करोड़ की हेरोइन के साथ 10 गिरफ्तार। मोदी बना मनमोहन पर शीला के बयान से गरमाई सियासत, अमित शाह ने केजरीवाल का किया धन्यवाद। अम्रपाली के सीएमडी समेत 3 को रिमांड पर भेजा। उत्तम नगर इलाके में मामूली बात को लेकर कैब में हुई बहस, नाराज युवक ने चाकू मारकर भाई की कर दी हत्या। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानी गिरोह का इनामी गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।